तो भाई लोग, कैरिबियन प्रीमियर लीग 2024 जो मैच नंबर 11 है ना, इसमें सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियस के सामने होगा एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कोंस। दोनों टीमों की बात करें, दोनों टीमों की जो दुर्दशा है खराब है, बस एक एक मैच जीते हैं, बाकी सारे मैच हारे हैं। मतलब अब यहाँ से कोई भी टीम एक दो मैच हारती है ना, तो उनका किस्सा कहानी खत्म हो जाएगा, प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो टीम लगातार सारे मैचेस जीतती चली जाएगी, उसके चांसेस बनते चले जा सकते हैं। तो मतलब दोनों टीमें अब यहाँ से एक भी मैच हारना नहीं चाहेगी, लेकिन बड़ी मुश्किल है क्योंकि एक टीम तो हारेगी। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो जो टूर्नामेंट था इन्हीं दोनों टीमों के बीच से शुरुआत हुआ था, उस मैच को सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियस ने अपने नाम पे किया था। तो इनके बीच में एक मैच खेला गया जिसे सेंट किट्स ने अपने नाम पे किया, क्योंकि जो एंटीगुआ की टीम है 2013-14 में थी, लेकिन एंटीगुआ हाउबिल्स के नाम से थी, अभी एंटीगुआ बारबुडा एंड फाल्कोंस के नाम से थी, ये नई टीम है। तो भैया, क्या सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियस फिर से पहले मैच की तरह कर लेगा मैदान फतेह, या फिर एंटीगुआ एंड बारबुडा करेगा पलटवार, लेगा पिछली हार का बदला? चलो एनालिसिस करते हैं, पता लगाते हैं। बस उससे पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, जिन लोगों ने नहीं किया भाई, वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन लोगों ने पहले से करके रखा उनको आप बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप सभी को ना मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि देखो भैया, टेलीग्राम पे हम जिस टीम को बोलते हैं ये टीम मैच जीत सकती है, लगभग वो टीम मैच जीत जाती है। जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा, लगभग उसी ओवर में विकेट जाता है। 5-10-15 ओवर में जितने रन बोलता हूँ बनने के लिए, लगभग उतने ही रन बनते हैं। तो इतनी जबरदस्त अपडेट आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जी हाँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। अपसा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, ज्वाइन करो। जो आज का मैच है, इस मैच में भाई की जो अपडेट है ना वो चेक करना। अगर आपको सारी अपडेट सही मिलती है, मेरा काम पसंद आता है, तो टेलीग्राम पे बन जाना, टिक जाना, कहीं जाने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, काम पसंद ना है तब आप चले जाना, तब आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन एक बार टेलीग्राम पे जाएं, भाई का काम चेक करें, फिर जैसा सही लगे वैसा आपको करना चाहिए। बाकी अगर हम इस मैच की बात करें तो भाई लोग, ये जो मैच है संडे 8 सितंबर इंडिया टाइम अनुसार 7 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं। ये जो मैच है वार्नर पार्क वेस्टर्न सेंट किट्स में खेला जाएगा। देखो, पिच रिपोर्ट के बारे में हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो मैच नंबर 9 है ना, इसी मैदान पे खेला गया, और उस मैच की वीडियो में मैंने पिच रिपोर्ट के बारे में सब कुछ बता रखा। आपने वो वीडियो देखी होगी, आपको पिच के बारे में सब कुछ पता भी होगा। अब वही सेम चीज दोबारा मैं बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे, मैं थक जाऊंगा, तो आप सबको तो पता ही। हाँ, जिन लोगों को नहीं पता और पिच रिपोर्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहते तो वो जाएं मैच नंबर 9 की वीडियो देखें, पूरी वीडियो नहीं देखनी, जो पिच रिपोर्ट का छोटा सा पार्ट है बस वो देख लेना, आपको पिच के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अभी बात करते हैं कि इस मैदान पे कौन सी टीम आएगी, तगड़ा परफॉर्म करेगी, मैच उड़ा के ले जाएगी। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियस की। तो भाई लोग, जो इनकी परफॉर्मेंस है, खास करके बैटिंग तो बढ़िया चल रही है, लेकिन जो गेंदबाज है वो अपनी टीम का साथ नहीं दे पा रहे। जैसे अगर हम एमिल लुइस एंड आंड्रे फ्लेचर की बात करें, तो एमिल लुइस लगातार सभी मैच में रन बना रहे, एक आधा मैच छोड़कर सभी मैच में तगड़ी शुरुआत करी, तगड़ी बल्लेबाजी करी, ताबड़तोड़ रन बनाए। लेकिन बात करें कप्तान आंड्रे फ्लेचर की, तो हाँ, इनका हम कह सकते हैं एक मैच में चल रहे, एक मैच में नहीं चल रहे। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इनकी ओपनिंग जोड़ी ठीक ठाक है, क्योंकि एमिल लुइस सभी मैच में रन बना रहे, आंड्रे फ्लेचर एक मैच में चलते, एक मैच में नहीं चलते, फिर भी इनको हम ठीक ठाक कहेंगे। काइल मैच की बात करें तो काइल मैच भी काफी ज्यादा तगड़ा खेल रहे, काफी ज्यादा जबरा खेल रहे, बल्लेबाजी तो बढ़िया कर रहे हैं काइल मैच, सभी मैच में आते हैं, ताबड़तोड़ रन बना रहे हैं, एक आता मैच छोड़कर सभी मैच में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। साथ में गेंदबाजी भी बीच बीच में अच्छा कर देते हैं, कभी 2 विकेट कभी 1 विकेट निकाल ले रहे हैं। तो काइल मैच एज ए ऑलराउंडर बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जोन क्लार्कसन को खिलाया जाता है। जोन क्लार्कसन की बात करें तो जो इनकी फॉर्म है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इनकी जगह पे जब जब तिस्तन अस्तब खेलते हैं, इनकी जो फॉर्म है तिस्तन अस्तब की वो ठीक है, लगातार सभी मैच में रन बनाते हैं, काता मैच छोड़कर जो इनकी फॉर्म है बहुत अच्छी है। IPL से लेके वर्ल्ड कप, मेजर लीग, जहां भी गए तिस्तन अस्तब की फॉर्म तगड़ी है। आते हैं जो आज के टाइम पे फिनिश है ना, इनसे तगड़ा कोई नहीं कर रहा, तो इनकी फॉर्म तगड़ी है। किसकी? तिस्तन अस्तब की। वहीं अगर हम यहाँ पे सरफेन रदरफोर्ड की बात करें तो भैया देखो, सरफेन रदरफोर्ड की जो फॉर्म है वो अच्छी नहीं है। मतलब एक आता है मैच में बढ़िया फिनिश किया, नहीं तो आते हैं आउट होकर चले जाते हैं। जो इनकी फॉर्म है सरफेन रदरफोर्ड की वो अच्छी नहीं है, लगातार मतलब फ्लॉप होते जा रहे हैं। मिकाइली लुइस की बात करें तो नया लड़का है, लेकिन माइकली लुइस की जो फॉर्म है हम कह सकते हैं आधी अधूरी है। मतलब एक मैच में ये भी बढ़िया परफॉर्म करते हैं, एक मैच में फ्लॉप होते हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक है। आगे नीचे रन बनाना, क्योंकि नीचे सभी मैच में रन नहीं बनते, लेकिन एक मैच में बना रहे, एक मैच में नहीं बनाते। माइकली लुइस की जो फॉर्म है हम कह सकते हैं ठीक ठाक है। ऑडियन स्मिथ की बात करें तो ऑडियन स्मिथ एज ए ऑलराउंडर, एक आधा विकेट तो इनको मिलता है गेंदबाजी करते हो, लेकिन काफी ज्यादा
ज्यादा महंगे साबित होते, बल्लेबाजी का नंबर कम आता, लेकिन जब भी आता ठीक ठाक फिनिश करके जाते हैं। रियान जोन की बात करें तो सभी मैच में महंगे साबित हुए, एकाता ही विकेट इनको मिला, बाकी सभी मैच में इनकी पिटाई हुई, एक भी मैच में किफायती नहीं हुए। बल्लेबाजी का नंबर इनका भी ज्यादा नहीं आता, आता तो बढ़िया कर देते हैं। वीरास्वामी परमोल की बात करें तो वीरास्वामी परमोल इनकी भी जो गेंदबाजी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जो मैच खेला एकाता विकेट मिला महंगे, ये भी साबित हो रहे हैं। रन लुटा रहे हैं, विकेट एकाता ही मिलता लेकिन रन ज्यादा लुटा देते हैं। मोहसिन खान और मोहम्मद मोहसिन इनकी भी बात करें, जब भी इनको खिलाया जाता विकेट एकाता मिलता लेकिन ये भी महंगे साबित हो गए, ये भी रन लुटाते हैं। जब जब तबरेज शमसी भी खेले इनका भी तीसरा स्तर की तरह खेलना मुश्किल है। मेरे सुनने में आया कि साउथ अफ्रीका चले गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कोई मैच तो चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों गए हैं, हो सकता है लोकल फोकल मैच के लिए गए हो। तो अगर तबरेज शमसी भी खेलते हैं तो जब भी खेले एक आता है विकेट मिला, लेकिन महंगे ये भी साबित हुए, मतलब रन लुटा रहे कौन, तबरेज शमसी भी। सबसे बढ़िया कोई गेंदबाजी कर रहा है तो वह है आनिश नोकिया, मतलब लगातार सभी मैच में आते किफायती रहते, एक दो तीन विकेट भी चटका रहे, तो आनिश नोकिया को छोड़कर कोई भी गेंदबाज बढ़िया गेंदबाजी नहीं कर पा रहा। सॉरी थोड़ा सा मैं मिस मैच कर दिया या मिस इन्फॉर्मेशन दे दी, वनिंडु हसरंगा ये आए भाई साहब, मतलब साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी गए हैं, ये आए हैं वनिंडु हसरंगा, और पहले मैच में इनकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रही, बल्ले से तो रन बनाए थे 30-40 रन, हालांकि गेंदबाजी में वनिंडु हसरंगा भी थोड़ा सा महंगे ही साबित हुए। तो मतलब ओवरऑल हम यहाँ पे देखें, चाहे हसरंगा आए, मतलब कोई भी गेंदबाज आ रहा, सारे के सारे महंगे साबित हो रहे, विकेट एकाता मिल रहा लेकिन काफी ज्यादा महंगे साबित हो रहे, बल्लेबाजी फिर भी ठीक ठाक चल रही है, एकाता मैच छोड़कर सभी मैचों में बल्लेबाजों ने बढ़िया परफॉर्मेंस करी है, लेकिन गेंदबाजी एक भी मैच में अच्छी नहीं हुई किसकी, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की, तभी ये लगातार मैचेस हारते चले जा रहे हैं। वहीं बात करें एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कोंस की, तो इनकी भी जो ओपनिंग जोड़ी है फकर जमान एंड जस्टिन ग्रीव्स, फकर जमान सारे मैच में एकाता मैच छोड़कर सभी मैच में बढ़िया शुरुआत दिलाई, 30-35-40-45 लगातार बनाते जा रहे हैं। जस्टिन ग्रीव्स भी पिछले दो तीन मैच से खेले, जब से ये खेल रहे हैं ये भी रन बना रहे हैं, भले ही लंबी पारी नहीं है कि 30-35-40 रन ये भी बना दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी भी जो ओपनिंग जोड़ी है फकर जवान एंड जस्टिन ग्रीव्स की वो बढ़िया है, लगातार रन बना रहे हैं। लेकिन रोशन प्रामस की बात करें तो पता नहीं क्या चक्कर है यार, गेंदबाजी में एकाता दो विकेट लेते हैं, महंगे साबित होते हैं, बल्लेबाजी बीच बीच में इनको ऊपर करा दी जाती है, लेकिन जब भी ऊपर कराई जाती है, जैसे पिछले मैच में दूसरे नंबर पर आए थे बल्लेबाजी करने, तीसरे नंबर पे 28 बॉल में 20-22 रन बना के चले गए, तो खराबी कर रहे हैं, तो इनका भी बल्लेबाजी का या कप्तान जी का क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोफी जेम्स की बात करें तो एकाता मैच में 30-35 रन की पारी खेली, एकाता मैच में 20-22 रन बनाए, बाकी सभी मैच में फ्लॉप, मतलब एक दो मैच में शुरुआत नहीं लंबी पारी तो किसी भी मैच में कोफी जेम्स नहीं खेल पाए। जेवेल एंड्रो की बात करें तो एक मैच में चलते हैं तो एक मैच में फ्लॉप होते हैं, जिस मैच में चलते हैं 40-50 रन बना देते हैं, नहीं तो 2-4-5-10 रन बना के निपट जाते हैं, तो जेवेल एंड्रो की जो फॉर्म है वो थोड़ी सी आधी अधूरी है। सैम बिलिंग्स की बात करें, सैम बिलिंग्स को थोड़ा सा जो फॉर्म है खराब है, जब भी मौका मिलता रन नहीं बना पा रहे हैं, और इसी चक्कर में इनको काफी नीचे बल्लेबाजी कराई जाती है, इनसे पहले इमाद वसीम, क्रिस गेन, पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं, तो सैम बिलिंग्स की फॉर्म अच्छी है भी नहीं और कप्तान को बिल्कुल भरोसा भी नहीं, इसलिए 8वें नंबर पे कभी कभी भेजते हैं या बल्लेबाजी के लिए भेजते नहीं सैम बिलिंग्स को, बस विकेट कीपिंग करवाते हैं। इमाद वसीम की बात करते हैं, सबसे तगड़े फॉर्म में यही है, ये लगातार बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब एकाता दो विकेट चटकाते, 4-5 विकेट तो नहीं लेते लेकिन एकाता दो विकेट चटका के किफायती रहते हैं, और 25-30-35-40 रन बल्लेबाजी में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दे रहे थे। जो इमाद वसीम की फॉर्म है ठीक है, लेकिन कप्तान क्रिस ग्रीन की बात करें तो भाई लोग जो इनकी फॉर्म है उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, एकाता ही विकेट मिलता है, हम मानता हूं ज्यादा नहीं पड़ते, किफायती रहते लेकिन बहुत ज्यादा विकेट भी नहीं निकाल पाते, बल्लेबाजी में थोड़ा नीचे करते भी है, जब 10 मैच में एकाता ही मैच में बल्ला चलता नहीं तो नहीं चलता। बात करें फेबियन एलन की, फेबियन एलन को भी उतना यूज नहीं किया जाता, लेकिन जितना यूज करते हैं उतना ठीक ठाक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके देते हैं, कौन, फेबियन एलन, तो मतलब फेबियन एलन की जो फॉर्म है हम कह सकते हैं ठीक ठाक है। बाकी सामान स्प्रिंगम की गेंदबाजी की बात करते, इनकी जो गेंदबाजी रही है ठीक ठाक रही है, सबसे बढ़िया कोई गेंदबाजी करी है एंटीगुआ के लिए तो है सामर स्प्रिंगर। मोहम्मद आमिर की बात करें तो जो पिछला मैच जीता था त्रिनमागो के सामने, बस उसी एक मैच में बढ़िया गेंदबाजी रही, विकेट एक ही मिला, बाकी सभी मैच में मोहम्मद आमिर भी महंगे रहे, विकेट ज्यादा नहीं मिले। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो बल्लेबाजी भी थोड़ा सा आधी अधूरी है, गेंदबाजी भी आधी अधूरी है, इसलिए जो अभी तक 5 मैच खेला बस एक मैच जीते, 4 मैच हारे, दोनों टीमों की वही कहानी, एक एक मैच जीते, 4-4 मैच हारे। अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच के भी यहाँ पे कंपेरिजन करें तो सिंडिकेट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने अपने आखिरी के 6 मैच में 1 जीता, 5 मैच हारे, दुर्दशा खराब, सेम कहानी है एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कोंस की, 6 मैच में 1 जीते, 5 मैच हारे, इनकी भी दुर्दशा खराब। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 164 रन, 164 का जो बल्लेबाजी एवरेज होता है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। सेंट किट्स की बात करें तो 161 इनका भी जो बल्लेबाजी एवरेज है अच्छा नहीं है। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 9.95 का मतलब है जो इनके गेंदबाजी काफी ज्यादा महंगे साबित हो रहे हैं, बल्लेबाज 160-170 रन बना रहे हैं, गेंदबाज 200 के आसपास रन खा रहे थे, ऐसे में भैया मैच कहां जीतेंगे, तभी एक आता है मैच जीता, बाकी सारे मैच हार गए। बात करें अगर हम यहां पर
एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कोंस की। तो जिनका गेंदबाजी एवरेज है 8.39, तो गेंदबाजी एवरेज भी इनका ठीक ठाक है, ना बहुत ज्यादा अच्छा कहेंगे ना बहुत ज्यादा खराब कहेंगे, यानी जो इनके गेंदबाज है लगभग 170 के आसपास रन खाते, बल्लेबाज 160 तक पहुंच रहे हैं, तभी आखिरी किसी मैच में एक जीता 5 मैच हारे। तो रिजल्ट में दोनों टीमें बिल्कुल एक जैसी हैं। टाइम टाइफिस गेंदबाजी एवरेज की बात करें तो जो गेंदबाजी एवरेज है एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कोंस का वो सेंट डिकिट्स एंड नेविस पेट्रियट्स से बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन बल्लेबाजी एवरेज की बात करें तो यहाँ पे जो मामला है बिल्कुल बराबर का है। तो भैया आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम आएगी जो मैच होगा उसे उड़ा के ले जाएगी जीतेगी, चलो अभी हाँ तुरंत के तुरंत हम आपको बता देते हैं। बस उससे पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे यार भाई, लोग जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर डालो और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई लोग सारी एनालिसिस करने के बाद ही जो मैच है ना वो तो मेरे को बराबर पे नजर आ रहा 50 सिंडिकेट्स एंड नेविस पैट्रियट्स एंड 50 एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कोंस, लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे लगता है जो आज का मैच है ना सेंट टिकट्स एंड नेविस पैट्रियट्स अपने नाम पे कर सकता है, लेकिन इस मैच की जो फाइनल प्रेडिक्शन है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें क्योंकि टेलीग्राम पे जिस टीम को मैं बोलता हूँ ये टीम मैच जीत सकती है लगभग वो टीम मैच जीत जाती है, जिस ओवर में बोलता हूँ विकेट जाएगा लगभग उसी ओवर में विकेट जाता है 5-10-15 ओवर में, जितने रन बोलता हूँ बनने के लिए लगभग उतने ही रन बनते हैं, तो इतनी जबरदस्त अपडेट आपको कहीं और नहीं मिलेगी, आपको यकीन नहीं है ओहो ऐसी बात है, ऐसे करो अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ वहाँ पे लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगी, अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है ज्वाइन करो, जो आज का मैच है ना इस मैच में भाई की अपडेट चेक करनी है, अगर आपको सारी अपडेट सही मिलती है मेरा काम पसंद आता है टेलीग्राम पे बन जाना टिक जाना कहीं पे भी जाने वाने की जरूरत नहीं है, हाँ काम पसंद ना है तब आप चले जाना, तब आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई रोक सकता है क्या, बिल्कुल नहीं रोक सकता, इसलिए टेलीग्राम पे जाएं भाई का काम चेक करें फिर जैसा सही लगे वैसा आपको करना चाहिए, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।